हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जामुन खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहते हैं कि जामुन खाने से क्या होने वाले बच्चे का, यानी कि प्रेगनेंसी में जामुन का खाना सही है या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, बल्कि जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, वो जो भी जामुन खाते हैं उनसे डायबिटीज कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। यह जामुन के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपका शरीर मजबूत होता है और आप बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। इसी वजह से जामुन में एंटी हाइपर सेंसिटिव गुण पाया जाता है। यह आपके रक्तचाप को, यहाँ पे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करता है, और जिससे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती है। जामुन से जो आपको जो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो नीचे आता है। पेट का जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि अगर कब्ज हो गया है, बदहजमी हो गया, दस्त हो गया, इसमें भी जामुन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। गर्भावस्था में कुछ समस्या ऐसी है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल कई बार नहीं होता, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। 100 ग्राम जामुन के सेवन से आपको लगभग 60 किलो कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है। जामुन में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और विटामिन सी तथा विटामिन B6, थायमिन, नाइसिन, राइबोफ्लेविन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है जामुन, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान जामुन खाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। प्रेगनेंसी में जामुन खाने से डायबिटीज़ होने का खतरा कम रहता है, और इसके साथ साथ ये बच्चों के बोन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। पेट की समस्याओं में इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। डायबिटीज़ में इसका सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इसके साथ साथ जामुन के साथ साथ इसकी जो गुठलियाँ होती हैं उसकी पाउडर बना करके उसका सेवन करना भी डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जामुन दांतों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यदि आपके दांतों में दर्द की समस्या है, दांतों से खून आता है, तो इसके लिए जामुन का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। दमा में भी इसका सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जामुन की गुठली की बीज को पीस ले और इसका जो पाउडर होता है 2 कप पानी में डालकर उबाल कर पीने से भी इसका फ़ायदा होता है। छानकर इसमें स्वाद के अनुसार चीनी या शहद मिला करके इसका सेवन कर सकते हैं। इसे डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा और दमों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचता है। पिंपल्स में ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसे रोज़ खाने से चेहरे के पिंपल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इसकी गुठलियों को बारीक पीस कर दूध के साथ मिक्स करके और चेहरे पर लगाने से इसे भी मुहासे और पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। यदि गले में दर्द होता है या फिर आवाज़ बैठ गई है, तो आपको जामुन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इस समस्या में भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है जामुन। जामुन खाने से बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती है, और इसके साथ साथ अगर प्री मेच्योर डिलीवरी का खतरा या मिसकैरेज का खतरा कम हो जाता है। घर में जो शिशु पल रहा है उसके ग्रोथ के लिए भी जामुन बहुत ही लाभकारी है। यदि आप चाहते हैं कि अगर आपकी आँखों के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो आने वाले समय में, आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर ना हो, तो आपको जामुन ज़रूर खाने चाहिए। साथ ही आपके स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। एजिंग को कम करता है या बढ़ती उम्र को कम करने में मदद करता है। साथ ही स्किन में आई हुई झुर्रियों को ठीक करता है और आपके स्किन को चमक को भी बढ़ाता है। आपके हृदय के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि रक्तचाप को कंट्रोल करता है। ज़्यादा जामुन का सेवन करने से आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा जामुन का सेवन करते हैं, जिससे आपको खांसी की समस्या हो सकती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, उन्हें भी जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे उनके बच्चे और उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत ज़्यादा जामुन का सेवन करने से भी आपको दर्द और बुखार की समस्या हो सकती है। तो यह सब कुछ नुकसान होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में जामुन का सेवन करते हैं। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।